अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम्स. टुडे आई एम गोइंग टू गिविंग यू अ लेक्चर ऑन एसएसटी. योर सब्जेक्ट इज एसएसटी ऑफ क्लास वन. सब्जेक्ट इज एसएसटी क्लास वन एंड योर लेक्चर नंबर थ्री. लेसन नंबर 14, सिटी एंड विलेज लाइफ. ओके बेटा, लेसन नंबर 14 आप लोगों ने कौन सा ओपन करना है? लेसन नंबर 14, लेसन का नेम क्या है? सिटी एंड विलेज लाइफ. ओके, नाउ ओपन दिस बुक, सोशल स्टडीज बुक. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ओपन करना है पेज नंबर 55, ये वाला पेज नंबर 55. इसके ऊपर हेडिंग होगी यूनिट नंबर 7, सिटी एंड विलेज लाइफ. उसके बाद आपके पास क्या है? 14, सिटी एंड विलेज लाइफ. आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है बेटा? सिटी और विलेज लाइफ के बारे में. ठीक है, कि हम लोगों की कैसी लाइफ सिटी में होती है और कैसी लाइफ जो है वो विलेज में होती है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को, आपको पता है कि हमारी लाइफ में और विलेज वालों की लाइफ में काफी डिफरेंस होता है. और वो हम लोगों से कुछ ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि वो वर्क हम लोगों से ज्यादा करते हैं. हम वर्क करते जरूर हैं, लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, वर्क टेक्नोलॉजी वाला ज्यादा करते हैं एज कंपैरेटिवली कि हम कोई हार्ड वर्क करें. ठीक है, तो इसीलिए वो हम लोगों से ज्यादा जो होते हैं वो हेल्दी लोग होते हैं. तो आज आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में तो पता है, सिटी लाइफ के बारे में. जिन लोगों के विलेजेस होंगे उन्हें विलेज लाइफ के बारे में भी ऑलमोस्ट आइडिया होगा, बट ये लेक्चर लेने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि विलेज और सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, या क्या क्या डिफरेंस हम लोग नोटिस करके अपने पास देख सकते हैं कि ये विलेजेस में होता है और ये हमारे सिटीज में होता है. ठीक है, अब मैं आप लोगों का लेसन जो है आप लोगों के लिए रीड करूंगी. सिटी एंड विलेज लाइफ. दिस इज लाहौर. आपके पास उन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, वो किसकी दी हुई है? लाहौर की दी हुई है. कि लाहौर आपको पता है एक बड़ा सिटी है, और उसमें बहुत सारी ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे रोड्स, बहुत सारा रश, बहुत सारी मार्केट्स, बहुत कुछ है. ठीक है, और वो एक डेवलप्ड एरिया है जहां पर डिफरेंट लोग अपनी डिफरेंट लाइफ गुजार रहे हैं. ठीक है, उसी तरह जैसे लाहौर एक बड़ी सिटी है, इसी तरह से कुछ विलेजेस भी हैं. हमारे कुछ छोटे छोटे विलेजेस भी हैं, वहां की आबादी बेशक कम है लेकिन जिंदगी तो लोग वहां भी गुजार रहे हैं. वो क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा अपनी लाइफ गुजारते हैं. उन लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं, उन लोगों के अपने डेरे होते हैं, और वो उन्हीं से अपना फूड और उन चीज का इंतजाम करते हैं. वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो क्रॉप्स लगाते हैं. तो वहां पर किसान होते हैं जो हम लोगों के लिए, जो हम सारी चीजें खा रहे हैं, ये कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? किसान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. तो वो कहाँ होते हैं? विलेजेस में होते हैं. विलेजेस भी जैसे हमारे लिए सिटीज जरूरी हैं, ऐसे ही विलेजेस भी जरूरी हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो हमारे लिए क्रॉप्स को लगाते हैं और उसके बाद हमें फूड मिलता है. ठीक है, अगर हम लोगों पे डिपेंडेंट होगा, यहाँ पर विलेजेस में ये लोग काम करते हैं और यहाँ पर हम लोग खा रहे होते हैं, और कुछ काम हम यहाँ पर करते हैं और उनका बेनिफिट उन लोगों को जा रहा होता है. इसी तरह से वाइस वर्सा, हम दोनों एक दूसरे के बेनिफिट से, हम दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट मिल रहा है, जिसके वजह से हमारी लाइफ जो है वो चल रही है. ठीक है, अब आपने क्या पढ़ना है? उन्होंने आपको फर्स्ट बेटा पिक्चर दी है, वो किसके बारे में है? लाहौर की पिक्चर दी हुई है. आपकी बुक में भी ये देखिए एक पिक्चर है, ये फर्स्ट पिक्चर आपके पेज पर, पेज नंबर 55 पे आपकी फर्स्ट पिक्चर है, ये एक लाहौर की पिक्चर है. और मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड के ऊपर भी एक पिक्चर लगाई है. ठीक है, जो कि एक लाहौर की एक बड़े सिटी की पिक्चर है, उसमें रोड्स होंगे, ट्रांसपोर्ट होगी, आपको नजर आएगा कि ये एक बिग सिटी है. ठीक है, ये देखें, एक बिग सिटी है, ये उसकी पिक्चर आप लोगों के लिए मैंने लगाई है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि सिटी और विलेज का क्या डिफरेंस होता है, और ये क्या है, एक विलेज की पिक्चर है. ठीक है, दो पिक्चर्स आप लोगों के लिए लगाई हैं, ये हुई सिटी की और दूसरी आपके पास कौन सी है, विलेज लाइफ की. विलेज लाइफ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जानवर भी हैं, लोग भी हैं, छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के, बहुत ज्यादा कोई ब्रॉड घर नहीं होते, इवन कई लोगों के कच्चे घर होते हैं.
ठीक है, जिसमें वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं शहरों में कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, खूबसूरत बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छे से अच्छे लोगों ने अपने घरों की हुई है। तो यही डिफरेंस है हम लोगों का हमारे विलेज में और हमारी सिटी में। आगे हम मजीद पढ़ेंगे, फिर मैं आपको साथ साथ उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि हमारी लाइफ कैसे डिफरेंट है विलेज वालों से। ठीक है, अब उन्होंने कहा इट इज वेयर यासिर एंड अनम लिव। अब लाहौर कौन सा शहर है जहां पर यासिर और अनम रहते हैं, ठीक है, जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कौन सा शहर है? लाहौर। लाहौर इज अ सिटी एंड सो इज कराची। जैसे लाहौर एक सिटी है, इसी तरह से कराची भी एक सिटी है। इस्लामाबाद इज अ सिटी टू, इस्लामाबाद भी एक आपके पास सिटी है। लाइफ इन द सिटी इज वेरी बिजी। अब आपकी जो लाइफ होती है सिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा बिजी होती है। अब आप अपना ही अंदाजा लगा लें कि बेशक आप घरों में हैं, फ्री हैं, आपकी मदर्स फ्री हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा डे बिजी रहती हैं। आप लोगों को बाहर जाने का कम टाइम मिलता है। क्यों कम टाइम मिलता है बेटा? क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो आप लोगों को अपने घर का ही पूरा करना है। तो हर बंदा क्या है, हर बंदा जॉब कर रहा है, अपनी जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जिन्होंने जॉब्स परफॉर्म करनी है वो तो अर्ली उठते हैं और अपनी जॉब्स के लिए चले जाते हैं, और जिनकी मदर्स हाउसवाइफ होती हैं वो अपने घरों में काम कर रही हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा है। इसी वजह से हमारा ये सारा जो है सिस्टम चल रहा है सिटी और विलेज का। अगर हम लोग ही ड्यूटी नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ये सब? तो इसीलिए हर बंदा अपने अपने काम में बिजी है, और सिटी की लाइफ जो होती है वो ज्यादा बिजी होती है एज कंपैरेटिवली विलेज की लाइफ। ठीक है, यासिर कजिन लिव इन द विलेज। अब आपको पहले बताया कि यासिर और अनम कहाँ रहते हैं। यासिर और अनम तो रहते हैं सिटी में, लेकिन जो उस यासिर का कजिन है वो कहाँ रहता है? विलेज में। आपके भी कई कजिन जो होंगे वो कहाँ रहते होंगे? विलेज में रहते होंगे। और विलेज में रहने के विलेज की लाइफ का भी एक अपना ही मजा होता है। वो बड़ी सिंपल और प्योर किस्म की लाइफ होती है। ठीक है, द विलेज इज स्मॉल। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सिटीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और जो आपकी विलेज होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी आबादी उतनी नहीं होती, उतने ज्यादा लोग उसमें नहीं रहते। छोटे छोटे जैसे टाउन्स होते हैं ना, इसी तरह से एक छोटा सा विलेज भी होता है, थोड़े लोगों का होता है। यासिर अंकल हैज अ फार्म। अब यासिर के अंकल का क्या है? एक फार्म है। द वेजिटेबल्स ही ग्रो आर सोल्ड इन द सिटी। और उसके जो अंकल हैं जो वेजिटेबल्स वहां पर ग्रो करते हैं, जो उगाते हैं वहां पर वो वेजिटेबल्स, वो कहां पर सोल्ड होते हैं? शहर में आकर। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि किसान जो हैं, हम लोगों के फार्मर्स जो हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स को लगाते हैं, और वो पहले वहां पर उसको ग्रो करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उसके बाद जब वो प्रॉपर शेप में और प्रॉपर खाने के काबिल हो जाती हैं, तब वो वाली चीजें कहाँ भेज देते हैं? शहरों में भेज देते हैं। और शहरों में हम लोग उनको सेल कर देते हैं, और वो जो सेल करके पैसे बचते हैं वो उनको हम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं हमें फ्रूट देने के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए। ठीक है, और अब बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने आपके बुक पर भी पेज नंबर 55 पे दो पिक्चर्स हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये एक विलेज का फार्म बना हुआ है। ठीक है, खेत जहां पर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको देखिए। और ये आप लोगों ने डिफरेंट जो जिन लोगों के विलेजेस हैं उन लोगों ने ये लाइव भी देखा होगा। ठीक है, और उसके बाद है बेटा ये शॉप्स जहां पर ये किसान यहाँ खेतों में काम करके उसके बाद जो हमें फ्रूट्स बेचते हैं, लोग शहरों में इस तरह से अपनी शॉप्स में इसको शो करते हैं और वो बेच देते हैं, और उसकी अच्छी खासी वो प्राइस लेते हैं। प्राइस लेते हैं तो फिर उसका फायदा किसको होता है? हमें तो जो फायदा होता है वो हम लोग खाते हैं, हमें तो फायदा है ही, लेकिन इसी तरह से वो फार्मर्स को भी फायदा मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज की समझ आई। और यहाँ पर बेटा आप लोगों के बोर्ड पर है, ये देखें सिटी लाइफ ये रही। ठीक है, विलेज लाइफ आपके पास एक बड़े छोटे छोटे से घर है, जानवर हैं, ठीक है, घरों के आगे उन्होंने अपने जानवर रखे होते हैं। उसके बाद सिटीज में आपको क्या नजर आते हैं ये देखें, ये आपको बड़े बड़े रोड नजर आ रहे हैं ना, ये रोड्स नजर आ रही हैं, लाइट्स नजर आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट और खूबसूरत नीट रोड्स नजर आते हैं। और ये क्या है, ये गांव में होते हैं छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं। पॉन्ड्स का क्या मतलब बेटा? पॉन्ड होते हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा किसी भी जगह पर थोड़ा सा पानी खड़ा है और उसके इर्द गिर्द ग्रास है, उसको हम क्या कह सकते हैं? पॉन्ड भी कह सकते हैं। और आपकी विलेज लाइफ में शॉप्स भी होती है।
छोटी छोटी, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े जनरल स्टोर इस तरह से होते हैं ना, लेकिन आप लोगों के विलेज में भी शॉप होती है और छोटी शॉप्स होती हैं पर, ठीक है। उसके बाद विलेज में और डिफरेंस क्या होता है, विलेज में ये देखें, ये ट्रैक्टर जो यूज करते हैं फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को फार्म करने के लिए, ठीक है, ये ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज को यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में बसेस यूज होते हैं वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए, ठीक है, और सिग्नल्स यूज होते हैं। सिग्नल्स किस लिए यूज होते हैं, ताकि जो ट्रैफिक है वो एक सीक्वेंस में जाए, वो खराब नहीं हो, ठीक है ना, खराब नहीं हो। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिग्नल्स को यूज करते हैं। उसके बाद बेटा पेज नंबर 55 पे ही आपके पास दो क्वेश्चंस देंगे। अब मैंने आपको ये सारे डिफरेंसेस बता दिए जो हमारे एक विलेज लाइफ और हमारी सिटी लाइफ में हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं, पेज नंबर 55 के एंड पर हैं। क्या लिखे हुए, क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे हुए, डू यू लिव इन अ सिटी और अ विलेज, व्हाट इज इट कॉल्ड। अब आपको उन्होंने क्या बताया कि अगर आप शहर में रहते हैं या आप किसी गांव में रहते हैं तो उसको उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, तो आपने उसके बारे में लिखना है जहां पर आप रहते हैं, ठीक है। वेयर वुड यू लाइक टू लिव, और जैसे अब कई लोग शहर में जरूर रहते हैं लेकिन उन्हें शौक होता है कि वो कहां पर रहें, वो किसी विलेज में जाकर रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने बताना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आपको आपका कहाँ दिल करता है रहने के लिए, ठीक है। ये तो आपका बेसिक डिफरेंस हो गया सिटी और विलेज लाइफ का। अब आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 55 ओपन करना है। यू हैव टू ओपन पेज नंबर 55, आप लोगों का खत्म हुआ। नाउ यू हैव टू ओपन पेज नंबर 66, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या खोलना है, पेज नंबर 66, इसके ऊपर हेडिंग दूंगी ट्रांसपोर्ट, सबको नजर आ रही है ना 56 पे ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में ये देखें, यहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की भी डिफरेंट चीजें लगाई हैं, जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगी आप लोगों के लिए साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊंगी कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस तरह से आती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ट्रांसपोर्ट के नेम से ही पता चल रहा होगा कि आपने किस बारे में पढ़ना है, आप लोगों ने व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है, आपने डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है। अब आप खुद देखें, आप जिसमें ट्रेवल करते हो वो एक तरह की व्हीकल तो नहीं होती ना, वो डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स होती हैं, वो आपके पास बाइसिकल भी हो सकता है, बस भी हो सकती है, एरोप्लेन भी हो सकता है। अब आपने कहीं बहुत दूर जाना है, ठीक है, तो आप एयरप्लेन भी जाओगे, जैसे सऊदीया जाना है तो आप किस पे जाओगे, एरोप्लेन पे जाओगे, दुबई जाना है तो एरोप्लेन पे जाओगे। लेकिन अगर आपको लाहौर या इस्लामाबाद तक जाना है तो आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा लोग हो तो बस में भी जा सकते हो, ठीक है, ट्रेन में जा सकते हो, इस तरह से आप डिफरेंट चीजों में ट्रेवल कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास है, आप और भी डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो अपनी ट्रांसपोर्ट में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि कार हो गई, आपकी बस हो गई, कार ट्रैक वो हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, इन सब में आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो। मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल पे आजकल लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो वो भी आप उसपे इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी क्या है, व्हीकल्स हैं जिन पे आप फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर मूव करते हो, ठीक है ना। तो आपने आज किसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट आपको क्या, पहले आप लोगों के लिखा होगा ट्रांसपोर्ट ग्रीन कलर का पेज नंबर 56 पे, उसके नीचे लिखा होगा व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या होती हैं बेटा, व्हीकल्स वो वाली चीजें या वो वाली चीजें जिसपे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। व्हीकल्स हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, व्हीकल्स हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है, कहां से वन प्लेस टू एन अदर मूव करने के लिए। सम आर फास्ट एंड सम आर स्लो, अब कुछ जो है वो फास्ट, अब व्हीकल्स में भी कैटेगरीज है ना, गाड़ियों में भी कैटेगरीज है, व्हीकल्स क्या होती है, गाड़ियां होती हैं। अब गाड़ियों में भी और जिसपे आप जा रहे हो एक जगह से ट्रांसपोर्ट जो यूज कर रहे हो उसमें भी डिफरेंस है, अब कुछ जो है वो बहुत फास्ट होती है, कुछ जो है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। अब अगर आप बाइक पे जा रहे हो, एक इंसान बाइक पे जा रहा है और एक बाइसिकल पे जा रहा है, तो उसका कंपैरिजन क्या होगा,
जो बाइक वाला होगा वो फास्टर है किससे? बाइसिकल से। ये तो ऑब्वियस बात है ना कि वो साइकिल वाला आहिस्ता आएगा और बाइसाइकिल वाला फास्टली मूव करता है। तो उन्होंने यहाँ पर भी यही बताया कि सम आर फास्ट एंड सम आर स्लो। कुछ जो है वो स्लो होती हैं और कुछ जो है वो काफी फास्ट होती हैं। और उन्होंने आपको आगे क्या बताया, मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स। और ज्यादातर जो व्हीकल्स होती हैं उनके क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। विदाउट व्हील्स तो व्हीकल मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ अब एरोप्लेन तो है, उसके व्हील्स नहीं होते हैं, उसके भी व्हील्स, जब वो लैंड करता है तो उसके व्हील्स होते हैं, लेकिन अदरवाइज जब वो उड़ रहा है हवा में तब उसके व्हील्स जो है वो अंदर चले जाते हैं, बट व्हील्स उसके भी होते हैं। व्हीकल कोई भी ऐसी नहीं होती बेटा जिसके व्हील्स ना हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपके लेसन में क्या लिखा हुआ है, देयर आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू। अब आपके ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे जरिए हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपनी ट्रांसपोर्ट, जिसको एज अ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो कहां जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए। सम कैन फ्लाई एंड सम मूव ओवर वाटर। अब जो कुछ है वो क्या करती है, कुछ व्हीकल्स आपकी क्या होती है, कुछ व्हीकल्स आपकी क्या करती है, फ्लाई करती है, कुछ आपकी रोड्स पर चलती हैं और कुछ आपकी वाटर पे चलती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स है ना व्हीकल्स की। अब शिप्स भी तो हैं, उनके व्हील्स नहीं होते उनके व्हील्स, वो क्या करती हैं, वाटर पे फ्लो करती हैं, वो वाटर पे चलती हैं। तो डिफरेंट किस्म के हो गए ना व्हीकल्स। आप ये तो नहीं कह सकते कि वन टाइप के व्हीकल्स होते हैं, नो, देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट है, हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे लिए हम यूज कर रहे हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ पिक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए लगाई हैं, तो वो मैं आपको साथ से दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको आपकी बुक के दिखाऊंगी कि आपकी बुक में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने देखे, आपको मैंने पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट की कुछ चीजें स्लो होती हैं, कुछ चीजें फास्ट होती हैं। अब ये क्या है बेटा, ये स्लो में है बाइसाइकिल। बाइसाइकिल क्या है, स्लो में है, ये बहुत स्लो स्लो चलते हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर स्पीड चलता है, ये आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा ना, क्योंकि आप इसको जितना चला सकते हो आप उतना चलाओगे। ये थोड़े कि कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है कि इसको आपने बटन दबाया और ये भागने लग जाएगी, नो, इसको आपने अपनी स्पीड अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको चलाना है। उसके बाद आपके पास क्या है, बुल कार्ट। बुल कार्ट क्या होता है बेटा, ये ज्यादातर विलेजेस में यूज होता है। वैसे तो ये जो बाइसाइकिल है ये तो सिटीज और विलेजेस दोनों में यूज होता है, लेकिन जो बुल कार्ट्स होते हैं ये ज्यादातर विलेजेस में यूज होते हैं। विलेजेस में ये भी बहुत स्लो मूव करता है, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होता है हमें, इसके ऊपर हम वजन जो है बोझ जो है वो विलेज वाले जो मतलब उनके डेली रूटीन की ऐसी चीजें होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो वो क्या उसके लिए क्या यूज कर देते हैं, बुल कार्ट्स यूज कर लेते हैं। ये इजी है, इसका कोई वो नहीं लगता, फ्यूल नहीं लगता, ऐसी कोई कंजप्शन नहीं है, तो वो इसलिए इसको यूज कर लेते हैं। ये इजी तो यूज है लेकिन थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं काफी स्लो है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए तो काफी स्लो होगा बिकॉज आप लोगों को सिटीज की आदत है, तो सिटीज में तो बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट होती है ना, लेकिन विलेजेस में वो स्लो से भी काम चला लेते हैं बिकॉज वो अपना काम अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटा आगे फास्ट की तरफ आ जाए, कार। कार में भी क्या होता है, कार आपके पास फास्ट ट्रांसपोर्ट है या आपके पास एक तेज ट्रांसपोर्ट है, इसपे आप कुछ ही टाइम में पहुंच जाते हो, मतलब आपको कुछ घंटे लग जरूर लगते हैं अगर आपने लाहौर जाना है, लेकिन आप सुकून से इजीली चले जाते हो। कार कितने लोगों के लिए होती है, या तो वो 4 लोगों के लिए होती है या वो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के लिए होती है। एक कार जो होती है वो उसमें 5 लोग ट्रेवल कर सकते हैं एक टाइम में, ठीक है। उसके बाद अब अगर थोड़े लोगों ने ट्रेवल करना है तो वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कार। लेकिन अगर ज्यादा लोगों ने ट्रेवल करना है और वन प्लेस टू अनदर मूव करना है तो वो क्या यूज कर सकते हैं, ट्रेन भी यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी फास्ट होती है, ये स्लो नहीं होती, ये फास्ट होती है। तो ट्रेन में तो बहुत सारे बॉक्स होते हैं और वो ट्रेन बॉक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे लोग एक वक्त में ही ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रेन की भी एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद ये आपकी कौन सी होगी, स्लो व्हीकल्स, ये कौन सी होगी, फास्ट व्हीकल्स, और ये जो द फास्टेस्ट जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फास्ट व्हीकल है वो कौन सी है, एरोप्लेन। ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि क्या बना हुआ है, एरोप्लेन।
एरोप्लेन तो जो आपका गाड़ी में या ट्रेन में जो आप घंटों का सफर करते हो, वो कितने टाइम में, जो आप बहुत सारे घंटे लगाते हो, पूरा डे लगाते हो, तो वो इसका कुछ ही घंटों में ये वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को मूव करता है। और इसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या बताया, तीन कैटेगरीज के साथ मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी होती है। एक तो हो गई स्लो वाली व्हीकल्स, एक हो गई फास्ट वाली व्हीकल, और लास्ट वन क्या थी, फास्टेस्ट थी, मतलब वो सबसे ज्यादा तेज थी। अब आप लोगों ने अपनी बुक से भी, मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी आपके लिए कुछ उन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वो पिक्चर्स तो मैंने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग लगाई हैं, लेकिन ये पिक्चर्स विदाउट कैटेगरीज उन्होंने लगाई हैं। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स जो है वो बस आपको दिखा दी है। आप लोग ये देखें कि फर्स्ट आपका क्या बना हुआ है, ये देखें अपनी बुक पर पेज नंबर 56 पे फर्स्ट आपके पास क्या बना हुआ है, आप बस बस बनी हुई है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या बना हुआ है, आप बाइसिकल, बाइसिकल बना हुआ है। ये कौन सा वाली कैटेगरी में आता है, स्लो वाली। ये किसमें आती है, फास्ट वाली। और ये क्या बना हुआ है, एरोप्लेन, ये फास्टेस्ट है, ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है, ये हमारा जो घंटों का सफर है ये कुछ ही टाइम में खत्म हो जाता है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, अ ट्रेन। ट्रेन भी क्या है, वो फास्ट मूव करती है और वो आपको जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। उसके बाद आप बुल कार्ट, बुल कार्ट मैंने आपको क्या बताया, लोग बोझ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इसको यूज करते हैं, और ये काफी स्लो ट्रांसपोर्ट है, और ये ज्यादातर जो यूज होती है बेटा वो विलेजेस में यूज होती है, वो सिटीज में यूज आजकल बहुत कम होती है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, ज्यादातर विलेज के जो लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं इसको, इसके यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। आगे क्या है, यासिर एंड अनम गो टू स्कूल बाय बस। अब जो बड़े सिटीज हैं यहाँ पर तो आपकी वैन है ना, लेकिन कुछ आपके स्कूल की क्या है, वैन है, वो भी एक तरह से बस की तरह ही है ना, वो वैन है जिसपे आप एक जगह अपने घरों से कहाँ मूव करते हो, स्कूल की तरफ मूव करते हो, और आप लोगों को वो आपके घरों से आपके स्टॉप से उठाती है और आपको आपके स्कूल पहुंचा देती है, वो भी क्या एक ट्रांसपोर्ट ही है ना। तो आप उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि यासिर और अनम जो दोनों हैं स्कूल जाते हैं वो किससे, किसके जरिए जाते हैं, बस के जरिए जाते हैं। एंड मिस्टर अली ड्राइव्स मिसेस अली टू वर्क इन द कार, और मिस्टर और मिसेस अली जो हैं अपने काम करने किस चीज पे जाते हैं, कार पर जाते हैं, वो अपने इजी टू मतलब अब घर से वो निकले कार पर, और दोनों दोनों लोग दो लोग क्या गए उस गाड़ी पर अपने वर्क वाली जगह पर चले गए, और उनको इजी हुआ कि उन्हें किसी बस का वेट नहीं करना पड़ा। और जिसके पास अपनी गाड़ी है उसका ये फायदा होता है कि उसको किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता, उसको टर्मिनल पे नहीं जाना पड़ता, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है जब उसका दिल चाहे, जब वो चाहे। ठीक है, अब आपके ये देखिए ये दोनों की पिक्चर्स लगी हुई है, ये यासिर और अनम अपनी स्कूल बस की तरफ जा रहे हैं, ये उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी पिक्चर भी बनी हुई है बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल सी। उसके बाद दूसरी पिक्चर आपको उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस अली की दिखाई है, जो वो गाड़ी में बैठ के अपने वर्क के लिए जा रहे हैं रोड के ऊपर। ठीक है, ये सिटीज में यूज होता है। तो आज आपके दो टॉपिक थे बेटा, सिटी लाइफ, सिटी एंड विलेज लाइफ, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट। आज दो चीजें आपने समझी ना, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से लर्न भी होनी चाहिए, इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि स्लो कौन सी है, फास्ट कौन सी है, फास्टेस्ट कौन सी है, और सिटी लाइफ में क्या क्या होता है और विलेज लाइफ में क्या क्या होता है। ओके, उसके बाद बेटा पेज नंबर 55 पे भी दो क्वेश्चंस थे और पेज नंबर 56 पे भी दो क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप लोगों से उनका क्वेश्चन है बुक वालों का कि आप रोज किस तरह से अपने स्कूल आते हो। ठीक है, आपने अपने स्कूल आने का वे बताना है। अगर आप ऑटो पे आते हो, रिक्शा पे, तो आपने उसके बारे में लिखना है कि आप रिक्शा पे आते हो। अगर आप बाय बस आते हो तो बाय बस लिखना है। अगर बाय बाइक आते हो तो बाइक से लिखना है। मतलब जिस तरह से भी आप स्कूल आते हो तो आपने वो अपनी ट्रांसपोर्ट का लिखना है कि आप किस तरह से रोज स्कूल आते हो। आप अपने बाबा के साथ बाइक पे आते हो तो आपने बाइक के बारे में लिखना है। ठीक है, आपने अपने अपने अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, और अब ये इतनी टाइप मैंने ट्रांसपोर्ट की आप लोगों को दिखाई और बताई, अब आप लोगों ने बताना है कि इन सब ट्रांसपोर्ट में से आपकी कौन सी फेवरेट है। ठीक है, ये आप लोगों ने अब बताना है।
तो आपने अपनी फेवरेट ट्रांसपोर्ट लिखनी है। उसके बाद है बेटा वर्क पेज, पेज नंबर 57। आप लोगों का ये क्या बना हुआ है, वर्क पेज बना हुआ है, और इस वर्क पेज को आप लोगों ने सॉल्व भी करना है, उसको रीड भी करना है और लर्न भी करना है अच्छे से, ठीक है, ताकि आप वापिस आए और अपने पेपर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके और गुड मार्क्स लें। आपने फर्स्ट, आपके पास ए वर्क पेज पे कौन सी एक्टिविटी है, सर्कल द थिंग्स फाउंड इन द सिटी। आप लोगों ने वो वाली चीजें सर्कल करनी है बेटा इसमें जो सिटीज में पाई जाती हैं। तो सिटीज में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये आपको मैंने यहां पर भी दिखाए थे, ये देखें सिटीज में रोड्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, बस होती है, और क्या होता है आपके पास शॉप्स होती हैं। ये शॉप तो छोटे वाली है ना, लेकिन कुछ बड़ी शॉप्स जो हैं वो क्या सिटीज में भी होती हैं और विलेजेस में बड़ी शॉप्स नहीं होती, विलेजेस में छोटी होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आपने शॉप को आपने इसके अकॉर्डिंग सर्कल कर देना है जो जो चीजें सिटी में पाई जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने उन चीज, अब यहाँ पर एक रोड बना हुआ है, बस बनी हुई है, पॉन्ड बना हुआ है, सिग्नल्स हैं और ट्रैक्टर की पिक्चर है और एक शॉप की। अब इसमें से आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन कौन सी चीजें आप सिटीज में देखते हो और कौन कौन सी ज्यादा कॉमनली सिटीज में यूज होती हैं, ठीक है। आपके पास बी एक्सरसाइज है वर्क पेज पे, राइट द नेम ऑफ थ्री थिंग्स फाउंड इन द विलेज एंड थ्री थिंग्स फाउंड इन द सिटी। अब आप लोगों को मैंने इतना कुछ बताया कि सिटी और विलेज में क्या डिफरेंस है, सिटी में आप क्या चीज मिलती है आपको, विलेजेस में आपको क्या चीज मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उन लोगों ने आपसे, बुक वालों ने आपसे ये कहा है कि आप लोगों ने ऐसी थ्री थिंग्स लिखनी है। कितनी थिंग्स लिखनी है, थ्री थिंग्स लिखनी है। कौन सी, आपने सिटी वाले कॉलम में सिटी वाली लिखनी है जो सिटी में चीजें पाई जाती है, ठीक है, और विलेज वाली जो है वो आपने विलेज में लिखनी है, ठीक है। ये देखिए आपके पास इस तरह से दो कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, एक पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाली पे, ये जो इस साइड पे, ये देखें क्या लिखा हुआ है, इन द सिटी, जो चीजें सिटी में पाई जाती हैं आपने वो लिखनी है, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है इन अ विलेज, दूसरे कॉलम में आपने वो चीजें लिखनी है जो विलेज में पाई जाती हैं, ओके। ये दोनों चीजें आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज नंबर सी, हाउ मेनी व्हीकल्स डू दीज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव। अब आप लोगों ने क्या लिखना है कि जो आपके ट्रांसपोर्ट का नाम लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने उनके व्हील्स लिखने हैं, ठीक है। ये व्हील्स के बारे में तो आप सबको पता होगा कि किस वाले ट्रांसपोर्ट के कितने, जैसे गाड़ी के फोर व्हील्स होते हैं, बाइसिकल के टू व्हील्स होते हैं, और इसी तरह से आपको ट्रक का पता होगा कि कितने, मतलब इस तरह से जितनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके डिफरेंट व्हीकल के नंबर होते, व्हील्स के नंबर होते हैं, तो आपने उन व्हील्स को काउंट करना है, या आप किसी बड़े के भी हेल्प ले सकते हो कि इसके कितने व्हील्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने व्हील्स लिखने हैं, ठीक है। और उसके अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एट फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है बेटा, आप लोगों ने एट फिल इन द ब्लैंक्स को केयरफुली पढ़ना है और इनके आंसर्स देने हैं। अब बाइसिकल हैज डैश व्हील्स, कितने व्हील्स होते हैं, टू व्हील्स, ये मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। अ स्कूटर हैज डैश व्हील्स, स्कूटर के कितने व्हील्स होते हैं, अ कार हैज डैश व्हील्स, कार के कितने व्हील्स हैं आप लोगों ने वो लिखना है। उसके बाद अ ट्रक हैज डैश व्हील्स, अ रिक्शा हैज डैश व्हील्स, आप ये सारी चीजें डेली बेसिस पे देखते हो, तो इसीलिए आपको ये भी पता होगा कि इनमें व्हील्स कितने कितने होते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इनका आंसर लिख देना है। अ डंकी कार्ट हैज डैश व्हील्स, डंकी कार्ट के कितने व्हील्स होते हैं, ट्राईसाइकल हैज डैश व्हील्स, ट्राईसाइकल के कितने व्हील्स होते हैं, ये सारी चीजें आपकी डेली बेसिस की हैं, जो आप लोग डेली बेसिस पे वॉच करते हो, ठीक है, तो ये सब आपको पता होंगी। और शिप हैज डैश व्हील्स, और शिप के कितने व्हील्स होते हैं, ये आपने सारे लिखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 58 पे बेटा आप लोगों के पास है थिंग्स यू कैन डू, जो चीजें आप अपने घरों में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये सारा आपने पढ़ लिया ना, तो ये आपने क्या करना है, ये चीजें जो आप अपने घरों में परफॉर्म कर सकते हो छोटे छोटे सी, ये आपके क्या होती है, एक्टिविटीज होती है, ये आप अपने घरों में परफॉर्म करके चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि जो मैम ने पढ़ाया उसमें इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करके, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप उसको अपने दिमाग में भी बिठा लो, ठीक है, याद कर लो और साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको उन्होंने क्या फर्स्ट एक्टिविटी आप लोगों के लिए क्या बताई, उन्होंने ड्रॉ टू पिक्चर्स इन योर नोटबुक,
कॉल द फर्स्ट वन द सिटी एंड द सेकंड वन द विलेज. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप लोगों ने क्या करना है, एक पेज पर दो पिक्चर्स बनानी है. एक पिक्चर में क्या बनाना है, सिटी को बनाना है, और दूसरी पिक्चर में क्या बनाना है, विलेज को बनाना है. तो विलेज और सिटी का कंपैरिजन करना है कि सिटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं और विलेज में कौन कौन सी चीजें होती हैं. तो और सेकंड आपके पास आप क्या कर सकते हो, टॉक अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स विद योर टीचर. आप अपने टीचर के साथ, अब डेफिनेटली आप स्कूल नहीं आ रहे तो आप अपनी टीचर के साथ नहीं, तो अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ रोड सेफ्टी के रूल्स को डिस्कस जरूर कीजिएगा कि रोड सेफ्टी के कौन कौन से रूल्स हैं. और थर्ड वन है, इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ बस, अ कार एंड अदर व्हीकल, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम. आप लोगों ने क्या करना है, हर एक की पिक्चर ड्रॉ करनी है. जैसे उन्होंने आपको बताया, एक बस की पिक्चर ड्रॉ करें, एक कार की पिक्चर ड्रॉ करें, और किसी एक और व्हीकल की जो आपको पसंद है और उसके बारे में कुछ लाइंस लिखें. तो इस तरह से आपको उस व्हीकल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपको उसका याद भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये अच्छी एक्टिविटी है, आप लोग खुद घरों में जरूर कीजिएगा. एक्टिविटी नंबर 4 कौन सी है जो आप घर में कर सकते हो, मेक अ स्मॉल टॉय कार्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. अब डेफिनेटली स्कूल ओपन नहीं है तो आप अपनी पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प से क्या बनाना, एक टॉय कार्ट बनाना. जैसे बुल कार्ट होती है वो तो आप घरों में नहीं बनाओगे ना, अब आपने एक टॉय कार्ट बनानी है. छोटी सी टॉय कार्ट बनाइएगा, ठीक है, और वो अपने घरों में आप उसको, आपकी एक एक्टिविटी इंजॉयबल भी हो जाएगी, आप इंजॉय भी कर लोगे और आप लर्निंग भी कर लोगे. और यहाँ पर आप लोगों का बेटा लेसन नंबर 14 जो है वो एंड होता है, सिटी एंड विलेज लाइफ. आज हम लोगों ने पढ़ा सिटी और विलेज लाइफ के बारे में, दो चीजें पढ़ी, और थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ी, ट्रांसपोर्ट पढ़ी. और इसी पे आप लोगों का जो है वो आज का पूरा लेक्चर खत्म होता है. और आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, मेन थिंग आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ये थिंग्स जो मैंने आपको बताई ये आपने घरों में परफॉर्म करनी है. दूसरी चीज, आपने वर्क पेजेस करने हैं, वर्क पेजेस को राइट भी करना है और लर्न भी करना है, नीटली राइट करना है. उसके बाद आपके पास जो पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आप लोगों ने जरूर याद भी करने हैं और उनको राइट भी करना है. ठीक है, आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि आप वापिस आओ तो आप अच्छे अच्छे पेपर्स दे सको और अच्छे अच्छे मार्क्स दे सको. ठीक है, और आप लोगों ने अपने घरों में अच्छी सी परफॉर्मेंस देनी है अपनी लर्निंग में. ठीक है, आपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना. ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन.